यहाँ पर देखते हैं जैसे कुछ मशीनों के पार्ट्स में बार बार लोड लगाने या री लोड लगाने से मशीन के पार्ट्स को टूटने का खतरा बना होता है। उसे अपन फटिंग टेस्टिंग के मशीन के द्वारा पर टेस्ट कर सकते हैं। फटिंग टेस्टिंग मशीन में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो होता है मोटर ड्राइव, ये अपना मोटर ड्राइव होता है। सेकंड जो होता है उसके बाद ये अपना टू मेन बेरिंग्स यहाँ पर लगा रहता है। और उसके बाद और थर्ड हो जाता है टू लोड बेरिंग लगा रहता है, यहाँ पर टू लोड बेरिंग। अब इस फटिंग टेस्टिंग मशीन के पार्ट्स में अपन उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो पार्ट्स का काम क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है जैसे आपका मोटर ड्राइव का काम होता है, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं तो मोटर जो है अपन शाफ्ट से कनेक्ट होता है और कपलिंग के माध्यम से जिससे सपोर्ट या रोटेट घुमाता है। उसके बाद जो होता है बेरिंग वगैरह का, बेरिंग का क्या काम होता है कि ये अपन मटेरियल्स यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आ जाता है मेन बेरिंग क्या करते हैं, जो किसी मटेरियल को लगाते हैं उसका लोड अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, वो होता है मेन बेरिंग। अब इसके बाद जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अपन जैसे चालू करके देखते हैं, चालू करने के बाद यहाँ ऑन कर दो, सबसे पहले अपन किसी भी मटेरियल को अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, ये लगा हुआ है। हाँ, तो इसके बाद जैसे मैं चालू करूँगा ये यहाँ पर लोड अप्लाई होगा, हम लोग जैसे टेस्ट करके देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है मटेरियल, उसको जैसे ही मैं ऑन करूँगा वो रोटेट होगा। लोड रहेगा, लोड अप्लाई करने के लिए नीचे में क्या होता है, इस तरह के एक अपन ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पे W×2 और W×2 का लोड नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर लोड लगता है और मेन ऊपर की तरफ यहाँ पर W लोड लगता है, जिससे बार बार लोड लगाने से किसी भी मटेरियल का फैल होने का चांस बना रहता है। मीन्स फैल होना मतलब वो टेढ़ा हो जाएगा या तो फिर उसका वो कर सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं किसी भी मटेरियल का यूज, फटिंग टेस्टिंग मशीन का यूज करने के यूज करके अपन उस मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपन फटिंग टेस्ट मशीन का यूज करते हैं तो 2 तरह का ग्राफ भी बना सकते हैं, एक ऊपर जैसे W×2 का लोड लगता है नीचे की तरफ, ऊपर से लोड लगेगा W, बीच में यहाँ पर लोड लगता है, इसके थ्रू यहाँ पर अपन लोड अप्लाई कर सकते हैं कितना लोड का वो करते हैं उसके लिए। इसके बाद जैसे ऊपर की ओर टेंसाइल क्रिएट होता है और नीचे की तरफ से कंप्रेसिव क्रिएट होता है, जिससे अपन यहाँ पे लोड लगने के बाद ये बेंडिंग कोई भी मटेरियल बेंड हो सकता है। इस तरह अपन फटिंग टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं।